मैं नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं कूद जाऊंगा इधर से। जानी तुम प्लीज ऐसा मत करो, अगर तुम मर गए तो क्या ना, तो मेरी शेरो शायरी पे वाह वाह कौन करेगा। अरे अब मैं और नहीं जीना चाहता यार, अब तुम ना ये शायरी मेरी कब्र पर आके करना। ए, वो तो करूंगी। है? अरे हाँ, मैंने तो तुम्हारी कब्र पे पढ़ने के लिए शेर भी लिखा है, सुनाओ। इरशाद, आज जो शरबत है कल वो पानी था, मेरी जिंदगी में एक जानी था, वो जानी मेरी जिंदगानी था, लेकिन सबकी तरह वो भी फानी था। आज खत्म हो गई उसकी कहानी और खाक में मिल गया मेरा जानी। अच्छा था, लेकिन इसको ना तुम मेरी कब्र के साइन बोर्ड पे लिखवा देना। यानी वो साइन बोर्ड नहीं, खुतबा होता है, खुतबा। अरे यार जो भी कहते हैं यार, मैं मरने लगा हूं। यानी प्लीज ऐसा मत करो, वो अभी तो साथ सामने आया है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं मर के इन सबको शर्मिंदा कर दूं। छोड़ दो मुझे, मैं कूद जाऊंगा। यानी पागल हो गए हो क्या? नहीं, मैं कुछ, अब तो जिंदगी शुरू हुई है। जरा सोचो, तुम इस घर के मालिक हो, शकील साहब के पूरे कारोबार के इकलौते वारिस हो तुम, और देखो सारा बाजी तो शादी करके चली जाएंगी, और फिर ये सब किसका होगा? तुम्हारा। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो सोचो ना, एक झटके में तुम्हारी जिंदगी कहां से कहां पहुंच गई, और तुम यहाँ मरने की बातें कर रहे हो। वाह रे मेरी नाजो, क्या प्लान दिया तुमने, अब मरने का प्रोग्राम कैंसिल। चनाजो, हाँ। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जानी तुम जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात सुनो,